हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि चक्र। आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है टाइगर टेल। मैं आपको बता दूं कि ये मूवी मैंने कल ही देख लिया था, लेकिन इसका रिव्यू नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे व्यूवर्स है, वो लोग इस तरीके की फिल्में देखना पसंद नहीं करती। यानी कि ये एक स्लो मूवी है, लेकिन एक इंसान की पूरी जर्नी के बारे में बताया, कैसे उसके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके साथ जो कुछ चीजें हुई है उसकी वजह से उसकी लाइफ किस तरह से बदली है, बेसिकली यही कहानी थी। और मुझे फील कर रहा था कि एक तो पहली बात तो ये हिंदी में है नहीं, और दूसरी बात ऐसी कहानी जो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली हमारे इंडिया की ऑडियंस इतना ज्यादा पसंद नहीं करेगी। लेकिन फिर भी आज एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि भाई इसका रिव्यू करो, तो फाइनली मैं सोचा चलिए इसका रिव्यू कर ही देते हैं। इस मूवी की कहानी शुरू होती है 1950 ताइवान से, जहां पर हमें नजर आता है पिन जुई। अब ये एक लड़का है जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है। उसके बाद उसकी लाइफ में से क्या होता है जिसकी वजह से उसको अमेरिका जाना पड़ता है। अब अमेरिका जाने के बाद उसकी लाइफ किस तरह से बदलती है, बेसिकली यही आपको पूरी मूवी में देखने को मिलेगा। तो इस मूवी की जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि आप पूरी तरह से पिन जुई के कैरेक्टर से आप कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि इसके कैरेक्टर को इतना अच्छी तरह से लिखा है कि मतलब जो पास्ट में उसके साथ चीजें हुई उसके साथ भी आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, और जो प्रेजेंट में चल रहा है उसका और उसकी डॉटर के बीच में जो रिलेशन चल रहा है उसमें भी आप इजीली कनेक्ट हो जाते हो। और कुल मिला के यहाँ पर सिंपल से ऐसा बताया कि पिन जुई की लाइफ में जो कुछ हुआ है वो असर उसकी बेटी के साथ उसके रिलेशन में नजर आता है, जो कि मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि हाँ ऐसा रियल लाइफ में होता है। तो कुल मिला के ये मूवी की बात करो तो ये मूवी अच्छी है। क्या रहा मुझे इस मूवी की जो सबसे अच्छी बात लगी वो तो आपने अगर हिंदी मूवी बर्फी देखी है तो बर्फी में किस तरीके से कुछ इमोशनल सीन में जो वॉयलेंट का प्ले होना या बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक किस तरह से प्ले होती है उस सीन को, तो एक अलग ही एहसास हो जाता है उस सीन का। तो वैसे ही इस मूवी में भी आपको बहुत सारे सीन देखने को मिले जहां पर आपको एक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक सुनने को मिला, जिससे वो सीन जो है ना और भी निखर के आता है। और परफॉर्मेंस की बात करो तो सभी एक्टर्स का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि यहाँ पर पिन जुई का जो यंगर वर्जन का रोल प्ले करे उस एक्टर का भी रोल अच्छा लगा, और जो उसके ओल्डर वर्जन का रोल प्ले कर उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। और ये मूवी मेरे हिसाब से अगर आप लोग फ्री हो और आप लोग कुछ हटके अलग कुछ एक इमोशनल जर्नी देखने आते हो एक इंसान की, किस तरीके से कुछ चीजें एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है, और उतना ही नहीं उनके आने वाले जनरेशन के साथ उनका रिलेशन भी बदल देती, तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम है टाइगर टेल। तो मैं इस मूवी को अगर रेटिंग दूंगा तो मैं इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार दूंगा। अगर आपको देखना तो आप इसे देख सकते हो, ये हिंदी में नहीं मिलेगी, ये आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी। या वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन दुआ में याद।